हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट चैनल राइट टू एंजॉय। आज की इस ऑल न्यू वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई और अगस्त में सेल होने वाले टू व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड बाइक्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इसमें हम आपको प्रॉपर यूनिट्स के बारे में बताएंगे कि कितनी यूनिट्स किस बाइक या किस स्कूटर की सेल हुई ऑल ओवर इंडिया में। गाइज, आप लोगों को तो पता ही है कितना टाइम लगता है इस टाइप का डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो इस हार्ड वर्क के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी लेटेस्ट इस वीडियो मिस ना कर दे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में 10 पोजीशन पर आई है होंडा डियो। इस स्कूटर की जुलाई और अगस्त में टोटल यूनिट सेल हुई है 37,233। बात करें इसकी डेली एक्सशोरूम प्राइस की तो ये मिलती है आपको 61,500 रुपीज से लेके 65,000 तक। बात करें इस स्कूटर में मिलने वाले माइलेज की तो कंपनी क्लेम करती है ये आपको प्रोवाइड करके देती है 49 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। 9th पोजीशन पर आई है हीरो पैशन प्रो। ये हीरो कंपनी की साइट से आने वाली रिसेंटली अपडेटेड बाइक है। इसकी जुलाई एंड अगस्त में 44,377 यूनिट सेल हुई है। गाइज, इसकी डेली एक शोरूम प्राइस है 66,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 68,000 रुपीज तक। ये बाइक आपको प्रोवाइड करके देती है 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। गाइज, 8th पोजीशन पर आने वाले स्कूटर का नाम है टीवीएस जुपिटर। ये आजकल बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है होंडा की साइट से आने वाली एक्टिवा को, बिकॉज टीवीएस कंपनी की साइट से आने वाला ये स्कूटर भी आता है फुली मेटालिक बॉडी के साथ। इसकी जुलाई एंड अगस्त में टोटल होने वाली यूनिट्स की सेल की बात करें तो इसकी टोटल यूनिट अभी तक सेल हुई है 48,995। टीवीएस जुपिटर की डेली एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 63,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज तक। माइलेज के मामले में भी ये स्कूटर काफी ज्यादा आगे रहता है। इस स्कूटर में मिलता है आपको 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। 7th पोजीशन पर आने वाली बाइक है हीरो ग्लैमर। ये बाइक टॉप 10 की लिस्ट से कभी भी भाग ना होने वाली बाइकों में से एक है। 2018, 2019 और 2020 में भी ये काफी अच्छी अमाउंट में सेल हो रही है। इस मोटरसाइकिल की जुलाई एंड अगस्त में टोटल 51,225 यूनिट सेल हुई है। बात करें इसकी डेली एक्स शोरूम प्राइस की तो ये बाइक स्टार्ट होती है 70,000 रुपीज तक और मिलती है आपको 73,000 रुपीज तक। वहीं ये बाइक आपको प्रोवाइड करके देती है 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। 6th पोजीशन पर आने वाली बाइक आती है रॉयल एनफील्ड की साइड से बुलेट क्लासिक 350। ये बाइक आजकल सभी एज ग्रुप के लोगों की डिमांड पूरी कर रही है, इसलिए ये फीमेल्स को भी आजकल बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बात करें इसकी सेल की तो जुलाई एंड अगस्त में इसकी टोटल 55,475 यूनिट सेल हुई है। वहीं गाइस, बात करें इस बाइक की डेली एक्स शोरूम प्राइस की तो ये बाइक मिलती है आपको 1,92,928 रुपीज की। ये बाइक आपको प्रोवाइड करके देती है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। 5th पोजीशन पर आई है बजाज पल्सर। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस टू व्हीलर कंपनीज में से एक है और आजकल इसकी बाइक सभी सेगमेंट में अपना कमाल दिखा रही है। इसकी जुलाई एंड अगस्त के महीने में टोटल 73,836 यूनिट सेल हो गई है। ये जो डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये अभी अगस्त तक का है। और गाइस, हम आपको एक बात बता दें, ये जो मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ ये सभी सेगमेंट की है, मतलब 100 सीसी, 200 सीसी और 220 सीसी। वैसे तो इंडियन मार्केट में 9 तरह की पल्सर आती है तो ये सभी सेगमेंट की बाइक्स की सेल का एक फिगर है। बात करें इस बाइक की प्राइस रेंज की तो ये बाइक मिलती है आपको 71,000 रुपीज में एक्स शोरूम दिल्ली में। ये बाइक आपको प्रोवाइड करके देती है वही 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। 4th पोजीशन पर आने वाली बाइक है होंडा सीबी शाइन। इस बाइक को लॉन्च के बाद अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन लोग अब इसको काफी ज्यादा परचेज कर रहे हैं, जो हमको इसकी सेल्स हिस्ट्री का डेटा कलेक्ट करने के बाद पता लगा। इसकी जुलाई एंड अगस्त की सेल के बेसिस पर ये बनती है टॉप 4 बेस्ट सेलिंग बाइक इंडियन मार्केट के अंदर। इस बाइक की जुलाई एंड अगस्त के महीने में टोटल यूनिट सेल हुई है 88,869। बात करें इस बाइक की एक्स शोरूम डेली प्राइस की तो ये बाइक मिलती है आपको 69,000 रुपीज से लेके 73,500 रुपीज तक। इस बाइक में मिलता है आपको 55 से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, जो कंपनी क्लेम करती है। अब बात करते हैं गाइस 3rd पोजीशन पर आने वाले व्हीकल की, तो 3rd पोजीशन पर आई है होंडा की एक्टिवा। इस स्कूटर का सेल फिगर पहले काफी ज्यादा अच्छा रहता था, ये टॉप ऑफ द ऑर्डर सेल होने वाली स्कूटर्स में से एक है, बट अब सेल्स के मामले में ये स्कूटर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से हटकर 3rd पोजीशन पर आ गया है। बिकॉज जुलाई और अगस्त के मंथ में दूसरे मंथों के कंपैरिजन में इसकी सेल थोड़ी कम हुई है। जुलाई एंड अगस्त के महीने में ये सेल हुई है 1,18,859। इस स्कूटी के इंडियन मार्केट में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक्टिवा 6G जो आपको मिलती है एक्स शोरूम दिल्ली में 65,000 रुपीज से
7,000 रुपीज तक। वही इसका दूसरा वेरियंट एक्टिवा 125, ये मिलती है आपको 76,000 रुपीज से 85,000 रुपीज तक एक्स शोरूम दिल्ली में। होंडा कंपनी की साइड से आने वाली ये स्कूटी हमें प्रोवाइड करके देती है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। इसके बाद गाइस बात करते हैं सेकंड पोजीशन पर आने वाली बाइक की। इसका नाम है हीरो HF डीलक्स। इस बाइक की जुलाई एंड अगस्त में टोटल 1,54,142 यूनिट सेल हुई है। ये बाइक मिडिल क्लास एंड लॉन्ग रोड के डिस्टेंस पर जाने वाले लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट बाइकों में से एक है। ये बाइक हीरो कंपनी की लो मेंटेनेंस बाइकों में से एक है। बात करें इसकी टोटल सेल यूनिट की, तो इसकी अभी तक सेल हो गई है 1,54,142 यूनिट। बात करें इस बाइक की प्राइस रेंज की, तो ये बाइक मिलती है आपको 49,000 रुपीज से 58,500 रुपीज तक। ये बाइक आपको प्रोवाइड करके देती है 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज सिटी के अंदर। वहीं हाईवे पे ये प्रोवाइड करती है आपको 76 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। बात कर लेते हैं उस बाइक के बारे में जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को अभी तक। बात कर लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली बाइक की, जिसका नाम है हीरो स्प्लेंडर। ये बाइक हीरो मोटर कॉर्प की साइड से आने वाली वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइकों में से एक है। ये हमेशा टॉप 5 की लिस्ट में बरकरार रहती है। इसकी ऑल ओवर इंडिया जुलाई एंड अगस्त के महीने में टोटल सेल हुई है 2,13,413 यूनिट। इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, आई स्मार्ट, सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर BS6। सभी वेरिएंट्स की प्राइस रेंज अलग अलग है। स्प्लेंडर BS6 की प्राइस रेंज है 62,000 रुपीज से 64,000 रुपीज तक। आई स्मार्ट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 66,000 रुपीज से 68,000 रुपीज तक। वही सुपर स्प्लेंडर आपको मिलती है 68,000 रुपीज से लेके 72,000 रुपीज तक। वही बात करते हैं गाइस ये बाइक आपको कितना माइलेज प्रोवाइड करके देगी सिटी के अंदर। ये बाइक आपको प्रोवाइड करके देगी 60.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। वही हाईवे पर हमें देखने को मिलेगा 68 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो गाइस ये थी जुलाई एंड अगस्त के मंथ में सेल होने वाली बाइक्स एंड स्कूटर्स की इन्फॉर्मेशन। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई ओपिनियन हो तो प्लीज हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड गाइज अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है और आप अपने लिए एक परफेक्ट बाइक ढूंढ रहे हैं, तो हमने बनाई है एक वीडियो आपके लिए जिसमें आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हमने सारी बाइक को डिफाइन किया है। सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग योर ड्रीम बाइक होम अकॉर्डिंग टू योर हाइट, प्लीज आप हमारी बनाई हुई वो वीडियो जरूर देख ले जिसका लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड पेट्रोल के प्राइसेस से अगर आप थोड़ा ज्यादा तंग हो गए हैं तो आप हमारी बनाई हुई एक और वीडियो देख सकते हैं जो हमने बनाई है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ऊपर। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी ये वीडियो बहुत लोगों को पसंद आ रही है और बहुत जल्द ये क्रॉस करने वाली है 50K को। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको वही सारे सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे जो आपको नॉर्मल स्कूटर्स में देखने को मिलते हैं। और बाइक्स की सेल से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा बनाया हुआ ये टॉपिक कैसा लगा। इस कमेंट सेक्शन में कुछ बता दिया करो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने का और ज्यादा मन करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।